हेलो गाइस, वेलकम टू शीज डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं जो प्राइम अमेज़न पे एक वेब सीरीज़ अभी हाल फिलहाल ही रिलीज़ हुई है, जिसका नाम तांडव है। और काफ़ी सराही भी गई और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेला है इस सीरीज़ ने। और इसमें सैफ अली खान, डिंपल कवाड़ी, काफ़ी बड़े बड़े स्टारों ने काम किया है। और जो लैंग्वेज है इतनी ज़्यादा थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड भी है, जो कैरेक्टर में जो फीमेल के लिए जो दिखाया, मेरे लिए तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। और उसी चीज़ पे मैं आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी और फेसबुक पर, अनु शक्ति सिंह है, इनके 13,000 फॉलोवर हैं फेसबुक पर, तो इनकी जो सोच है उससे मैं काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ। क्योंकि जो तांडव सीरीज़ में आपने कोई भी स्क्रिप्ट बनाई हो, लेकिन उसमें आपने एक औरत की इमेज को यही दिखाया गया है कि औरत की जो औरत का जो कामयाबी का रास्ता है वो किसी के बिस्तर से होकर गुजरता है, उसके अलावा उसे वो कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो उसमें पूरी सीरीज़ में सिर्फ यही इतनी बड़ी नेगेटिविटी इस सीरीज़ के अंदर दिखाई गई है। एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा तो रखना चाहिए था ना कि भाई फीमेल अपने दम पे अपनी मेहनत से कुछ तो कर सकती है। इवन अनुराधा, जो कि PM की पोस्ट पर है, दिखाया गया है कि इस तांडव के अंदर उनको भी एक पार्टी में रहने के लिए, अब एक पोजीशन को बनाए रखने के लिए एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ अफेयर करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें वो पोजीशन मिली है। इवन आपने एक प्राइम मिनिस्टर की जो गरिमा होती है, जो स्टेटस होता है, उसको भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत तरीके से ट्रीट किया है। क्यों? क्योंकि आपने ये दिखा दिया कि एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन रही है। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसका जो पहले का जो प्राइम मिनिस्टर था उसके साथ उसका अफेयर है, दैट उसका जो उसको बेनिफिट मिला है पार्टी में रहने का या जो भी है, वो उसको उसको उस तरीके से मिला है। सैफ अली खान के अराउंड 2 लड़कियाँ हैं, मुझे नाम याद नहीं है, वो भी उसी के साथ इसलिए रहती हैं क्योंकि उनको पोस्ट मिल जाएगी, होम मिनिस्ट्री मिल जाएगी या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री मिल जाएगी। यानी कि आपने ये दिखा रखा है कि फीमेल को आगे जाने के लिए एक आदमी की आदमी से अफेयर करना पड़ता है, या फिर उस वही एक रास्ता दिखाया गया है। सना एक स्टूडेंट है जो जो एक कॉलेज में एक लीडर में एक पार्टिसिपेट करती है, आंदोलन में पार्टिसिपेट करती है, जब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक प्रोफेसर के से गलत तरीके से अफेयर करके और उससे पैसे निकालते। तो आपने कहीं आपने 3 या 4 कैरेक्टर लिए हैं फीमेल के। एक मान लीजिए PM का कैरेक्टर है जो राधा प्ले कर रही है, एक स्टूडेंट का कैरेक्टर है जो सना प्ले कर रही है, और जो जो सैफ अली खान है जिनका नाम समर है, उनके आगे पीछे 2 लड़कियां हैं, वो जो है आप जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, ये तीनों ही कैरेक्टर सेम तरीके से आपने सिचुएट किए हैं कि तीनों ही अफेयर करते एक आदमी से, तो एक को पैसा मिलता है, एक को पोस्ट मिलती है, तो एक को ये मिलता है कि भाई उसको डिफेंस मिनिस्ट्री मिल जाए, होम मिनिस्ट्री मिल जाए। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं लग रही है कि आपने 3 या 4 कैरेक्टर फीमेल के ऐसे लिए और सभी को एक ही ट्रैक पर ला के जोड़ दिया है। तो आप इस तरीके से एक फ़ीमेल को डिफेम नहीं कर सकते हैं। पर्सनली मेरे को ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगी है कि आप फीमेल का आपने ये दिखा दिया कि भाई बड़ी से पोस्ट हो या छोटी हो, कुछ भी लाइव, आपने बहुत ही गंदे तरीके से उस चीज़ को ट्रीट किया है। आप बैलेंस कर सकते थे चीज़ों को, आप बैलेंस के साथ साथ आप ये दिखा सकते थे कि भाई एक लड़की अफेयर करके या गलत तरीके से या कामयाबी ले रही है, एक अपनी मेहनत के साथ उस चीज़ के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन आपने हर जगह PM की पोस्ट हुई और कैबिनेट में सीट लेने के लिए हुआ, या फिर पैसों की ज़रूरत हुई, आपने सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को उसका जरिया बनाकर छोड़ दिया। ये चीज़ मुझे बहुत गली लगी। और कहीं आप क्या कर रहे हैं, आप आए दिन रेप वगैरह इतने ज़्यादा होते रहते हैं, सोसाइटी में इतना गंद फैला हुआ है, आए दिन अखबारों में इतनी चीज़ें छपी हुई रहती हैं, आप अपनी सीरीज़ में भी वही तरीका दिखा रहे हैं, तो आप रिस्पेक्ट कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अरे जब आप हमें कहते हैं मीडिया हुआ या जितनी भी चीज़ें हुई हैं, आईना होती हैं भाई, आईना होती हैं, लेकिन उसको सुधार करने के लिए स्टेप भी तो आपको दिखाने चाहिए। आप समाज की बुराइयां सेम टू सेम, बल्कि उसको हाई लेवल पे लाकर दिखा देते हैं, अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो गालियों के माध्यम से हो या आपकी वो छिचोरी लैंग्वेज की वजह से हो या किसी भी तरीके से हो, आप उसको पूरा सेम टू सेम समाज का आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बदलाव लाने के लिए क्या करते हैं? कौन सी मूवी या कौन सी सीरीज़ में कौन सा आप एक ऐसा पॉइंट दिखाते हैं? मतलब इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज उसके अंदर फीमेल को लेकर यूज़ की गई हैं, निचली जाति को लेकर यूज़ की गई हैं, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाए? मतलब आपने वो मूवी राजनीति पे बनाई है, राजनीति का ताना माना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि किस तरीके से खुद ही सीन क्रिएट करो,
खुद ही उसका बेनिफिट उठाओ। ये बहुत ही शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मूवी की जो स्क्रिप्ट है या जो सस्पेंस है, जो जो ताना बाना है, या किस तरीके से जो राजनीति में होता है भी, किसको उखाड़ के खुद खुद बैठना उसकी सीट पे, टोटली एग्री, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया। लेकिन एक फीमेल के मैटर पे आपने जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं, मेरे को वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आई है। बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल है फॉर ए वूमेन। और इस ये जो आपका एक मैं पोस्ट की बात करी थी, उसमें लिखा हुआ है कि भाई सना अपने प्रोफेसर के साथ अफेयर करती है, तो उसको मिलती है एक प्रधानमंत्री देवकी नंदन से, जो पहले वाले जो आपके प्राइम मिनिस्टर जिसकी डेथ सैफ अली खान यानी कि समर कर देते हैं, खुद ही अपने पिता को मार देते हैं सीट लेने के लिए। तो ये जो सीधे चीज़ें हैं, ये फेमिनिज्म के अंगेंस्ट जाती हैं। अगर आप आईना आईना दिखा रहे हो, तो इस तरीके से दिखाओ कि भाई उसका सही रास्ता कौन सा हो सकता है। अगर फीमेल का ये है, तो उसको सही तरीके से प्रेजेंट आप कैसे कर सकते हो। आप मूवी देखो, सीरीज़ देखो, अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो उसमें कमी नज़र आई, तीन तीन फीमेल तीनों जगह सेम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आदमी ही उनका सफलता का जरिया है। गलत तरीका, एक औरत का सफलता का जरिया है। मुझे इस चीज़ से काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई सीरीज़ के अंदर एक फीमेल को इस तरीके से दिखाया गया है। पसंद करने वाले पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को आजकल मसाला चाहिए, तड़क भड़क चाहिए, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको एक चीज़ ये क्यों नहीं दिखाते कि भाई जब गैंगरेप करता है तो आदमी ही करता है, एक औरत नहीं करती? एक औरत को कभी सुना कि एक औरत, तो एक 20 औरतों ने कभी एक आदमी को दबोच लिया, या 20 औरतों ने मिलकर किसी एक आदमी को जलाकर फेंक दिया? कहीं 100 में से 1-2 केस मिल जाएंगे तो आके लोग बोलने लग जाएंगे कि भाई हाँ, ये हमने सुना है, वो सुना है। आपका तो रेगुलर चलता है, रेगुलर 8 साल की बच्ची के साथ रेगुलर चलता आ रहा है। भाई दुनिया में हर तरीके के हैं, लेकिन जो फीमेल के अगेंस्ट क्राइम है, उनका रेशियो मैन से तो हमेशा ज़्यादा ही रहा है। तो ये चीज़, इसलिए मैं जो मेरी राय है वो यही है, आप देखो देखो, लेकिन फीमेल को इतनी इस तरीके से मत दिखाओ, क्योंकि वैसे ही फीमेल की हालत हमेशा से ख़राब ही रही है। रेप है, दहेज है, क्या क्या नहीं है। आप बेशक कहें कि समाज बदल गया, नहीं, रिटर्न डाटा हुआ है जो भी हुआ, वो समाज कभी नहीं, अभी तक इतना ज़्यादा बदलाव नहीं है, चीज़ें आज भी वैसे ही चल रही हैं, स्टेप उठाए जा रहे हैं, आपको भी पता है। लेकिन इस तरीके से, एक गलत तरीके से एंगल में ले जाना चीज़ों को फीमेल के अंगेंस्ट, तो आप अगर गलत दिखा रहे हो, तो उसका एक सही नज़रिया भी दिखाओ। एक एक मूवी के अंदर, एक सीरीज़ के अंदर, इसमें जो तांडा सीरीज है, उसमें अभी तक जो एक फेयर प्ले दिख रहा है, वो मैथिली नाम है जिसको गौहर खान प्ले कर रही है, मैथिली के कैरेक्टर को, अभी तक वो फेयर है। अब ये भी नहीं पता है कि अगली सीरीज में उनकी क्या स्टोरी निकाल कर दिखा दी जाए, वो तो नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। अभी के लिए इतना है, आपको आप देखिए सीरीज को, जो मेरी पर्सनल राय थी मैंने आपको बताई है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।